नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है सिविल नोटबुक की एक नया वीडियो पे। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेंट्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इन द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जान लेते हैं पेंट्स क्या होता है। पेंट्स आर मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स एंड बाइंडर जनरली अवेलेबल इन लिक्विड स्टेट। ओके, सो पेंट्स क्या होता है, पिगमेंट एंड बाइंडर्स का एक मिक्सचर होता है, जनरली लिक्विड फॉर्म में हम लोगों के पास अवेलेबल होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पेंट्स फॉर्म ए सॉलिड फिल्म व्हेन अप्लाइड ऑन ए सरफेस। तो देखिए, एक सरफेस के ऊपर हम लोग पेंट अप्लाई किए हैं, तो जो पेंट है एक सॉलिड फिल्म की तरह यहाँ पर बन गया है। दिस फिल्म प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम मेनी डेंजर्स लाइक कॉरोशन, वेदरिंग, केमिकल अटैक एट्सेट्रा। तो ये जो सॉलिड फिल्म बन गया है, ये सरफेस को कॉरोशन, वेदरिंग, केमिकल अटैक इन चीजों से प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, टिम्बर और मेटल सरफेस कैन एक्सटेंडेड देयर लाइफ बाई कोटिंग देम विथ पेंट्स। ओके, सो टिम्बर मेटल स्ट्रक्चर, सिर्फ टिम्बर मेटल क्यों, जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसका भी लाइफ इंक्रीज होता है। ओके, नॉट ओनली प्रोटेक्शन, पेंट्स ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक अपेयरेंस टू द सर्फेस। सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं देता है, आपका जो स्ट्रक्चर है उसको एक एस्थेटिक ब्यूटी भी देता है पेंट। सो पेंट प्ले ए मेजर रोल इन कंस्ट्रक्शन वर्क एंड प्रोजेक्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, पेंट्स कंस्ट्रक्शन वर्क एंड प्रोजेक्ट पे एक मेजर रोल प्ले करता है, एक ब्यूटीफुल फिनिश देता है और स्ट्रक्चर की जो लॉन्गजिविटी है, लाइफ है, उसको ये इंक्रीज करता है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स। सो पहला है देखिए एल्यूमिनियम पेंट्स, फिर एस्बेस्टस पेंट्स, एंटी कोरोसिव पेंट्स, बिटुमिनस पेंट्स, सीमेंट बेस्ड पेंट्स, सिंथेटिक रबर पेंट्स, सिलिकेट पेंट्स, ग्राफाइट पेंट्स, प्लास्टिक पेंट्स, कैजन पेंट्स, सेलुलोज पेंट, एनामेल पेंट्स, इमल्सन पेंट्स, ब्रोंज पेंट्स, कोलोइडियल पेंट्स, ऑयल पेंट्स। ओके, तो इतना सारा पेंट्स है। तो इनमें देखिए, जिनको मैं येलो कलर पे हाईलाइट करके रखा हूँ, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्शन पे। एल्यूमिनियम पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट, सीमेंट बेस्ड पेंट, प्लास्टिक पेंट, इमल्सन पेंट्स एंड ऑयल पेंट। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं एल्यूमिनियम पेंट्स क्या है। ओके, सो देखिए, मेड बाय मिक्सिंग फाइनली ग्राउंडेड एल्यूमिनियम विथ स्पिरिट और ऑयल वार्निश। ओके, सो फाइनली ग्राउंडेड एल्यूमिनियम के साथ स्पिरिट और ऑयल वार्निश हम लोग मिक्स करके इस तरीके की पेंट बनाते हैं। ओके, स्पिरिट वार्निश मेक्स द ड्राइंग पीरियड शॉर्टर। अगर हम लोग स्पिरिट यूज कर रहे हैं तो ये जल्दी जल्दी आपका सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। बट ऑयल वार्निश इम्पार्ट्स स्लो ड्राइंग फैसिलिटी। अगर हम लोग ऑयल मिक्स करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ड्राई होगा। सो वार्निश कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो जैसा रिक्वायरमेंट होगा, अगर आपको जल्दी जल्दी काम करना है तो उस हिसाब से हम लोग यूज करेंगे स्पिरिट। अगर आपको धीरे काम करने में ही काम हो जाएगा तो आप ऑयल वार्निश को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ पेंट इज यूज्ड फॉर पेंटिंग वुड वर्क। तो जनरली वुड वर्क पे यूज होता है, घर में जो दरवाजा होता है, खिड़की होता है, उस पर हम लोग यूज करते हैं। मेटालिक सरफेस पे इस तरीके की पेंट्स को हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द लेयर ऑफ पेंट इज हार्डेंड बाय इवापोरेशन ऑफ स्पिरिट और ऑयल। तो जो स्पिरिट और ऑयल है ये इवापोरेट हो जाता है और जो पेंट है ये हार्ड हो जाता है। एल्यूमिनियम पेंट हैज मेनी एडवांटेजेस सच एज इट इज वाटरप्रूफ। ये वाटरप्रूफ होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कॉरोशन से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वेदरिंग से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों एल्यूमिनियम पेंट। नेक्स्ट, इट कैन बी विजिबल इन डार्क एंड प्रोवाइड्स गुड अपीयरेंस। तो डार्क पे भी आप इसको देख सकते हैं, इसका विजिबिलिटी बेटर है और इसका अपीयरेंस भी बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एंटी कोरोसिव पेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंटी कोरोसिव पेंट लगाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंटी कोरोसिव पेंट्स आर यूज टू रेजिस्ट कोरोशन। सो कोरोशन से रेजिस्ट करने के लिए यूज होता है, जहां पर आपका आयरन होगा तो वहां पर हम लोग इस तरीके की कोरोसिव पेंट्स को, एंटी कोरोसिव पेंट्स को यूज करते हैं। ओके,
दिस टाइप ऑफ पेंट इज वाइडली यूज फॉर मेटल सर्फेस लाइक पाइप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर व्हिच मे अलाउड टू कोरोसिव नेचर। ओके, जहाँ पर पाइप होगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा जो कि स्टील वगैरह से बना होगा, तो वहाँ पर हम लोग एंटी कोरोसिव पेंट को यूज करते हैं बहुत ही ज़्यादा। ओके, स्टील स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है, लिंस्ड ऑयल इज जनरली यूज एज ए व्हीकल एंड अलॉन्ग विथ इट स्ट्रॉन्ग ड्रायर इज यूज टू मेक एंटी कोरोसिव पेंट। ओके, सो लिंस्ड ऑयल को व्हीकल के रूप में हम लोग यूज करते हैं एंड अलॉन्ग विथ इट ए स्ट्रॉन्ग ड्रायर इज यूज टू मेक एंटी कोरोसिव पेंट। एक स्ट्रॉन्ग ड्रायर भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वेरी चीप, बहुत ही सस्ता होता है और बहुत दिन तक ये टिकता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, सीमेंट बेस्ड पेंट्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सीमेंट बेस्ड पेंट कंटेंट सीमेंट एज द बेस मटेरियल, तो यहाँ पर बेस क्या है दोस्तों, सीमेंट। दिस पेंट कंटेंट्स सीमेंट एक्सीलरेटर पिगमेंट एंड अदर एडिटिव्स, दे आर अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। बाय मिक्सिंग वाटर टू द पाउडर एंड स्टियर टू द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी द पेंट इज ऑब्टेंड। ओके, तो ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसके साथ हम लोग रिक्वायर्ड अमाउंट पे हम लोग वाटर मिक्स करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। सीमेंट बेस्ड पेंट इज वाटर प्रूफ एंड कैन बी अप्लाइड इन इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये वाटर प्रूफ होता है, हम लोग घर के इंटरनल साइड पे भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल साइड पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीमेंट पेंट इज यूज टू शो डेकोरेटिव अपीयरेंसेस, दे हैव हाई ड्यूरेबिलिटी, तो डेकोरेटिव अपेयरेंस को देने के लिए हम लोग सीमेंट पेंट को यूज करते हैं, इनका जो ड्यूरेबिलिटी है ये भी हाई होता है। नेक्स्ट, दे कैन बी डायरेक्टली अप्लाई ओवर प्लास्टर सर्फेस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्लास्टर सर्फेस है, इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मोर इकोनॉमिकल विथ कंपेरिजन ऑफ ऑयल पेंट्स एंड ऑल्सो ड्राइज क्विकली, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग ऑयल पेंट्स के साथ इसको कंपेयर करें तो ये इकोनॉमिकल भी होता है और जल्दी जल्दी सूख भी जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, इमाल्सन पेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत फेमस पेंट है। ओके, इमाल्सन पेंट इज वाटर बेस्ड पेंट, ये आप लोगों को पता ही होगा, 10th 12th पे आप लोगों ने पढ़ा होगा इमाल्सन पेंट क्या होता है, तो ये वाटर बेस्ड पेंट है। दैट कॉन्सिस्ट ऑफ पिगमेंट, इसमें पिगमेंट होता है, इमालसीफायर होता है, कोआगुलेंट होता है एंड वाटर होता है। इट्स कॉल्ड इमल्सन बिकॉज द पिगमेंट्स आर डिस्पर्स इन वाटर इमल्सिफाइड विथ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, तो ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ा है। इमल्सन पेंट्स आर क्वाइट पॉपुलर फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ईजी टू यूज फीचर्स इसका होता है एंड कॉस्ट भी इसका लो होता है। विथ दैट बींग सेड, इमल्सन पेंटिंग कैन बी यूज ऑन वॉल्स बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, तो इसको हम लोग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल पे यूज कर सकते हैं, फर्नीचर पे भी यूज कर सकते हैं, कैनवास पे भी यूज कर सकते हैं एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, वेरियस इमल्सन पेंट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, इमल्सन पेंट्स हैज कॉम्पोजिशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल सच एज पॉलीविनाइल एसीटेट सिंथेटिक रेजिन एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट, इट्स एप्लीकेशन ओवर सरफेस इज वेरी इजी एंड इट टेक्स ओनली 30 मिनट to 120 मिनट टू ड्राई। ओके, 30 से लेकर 120 मिनट लेता है ड्राई होने के लिए, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट, दे हैव टफ सरफेस ऑफ पेंट, तो इनका जो सरफेस होता है ये टफ होता है, कैन बी वॉश्ड इजीली विथ क्लीन वाटर, क्लीन वाटर से आप इजीली वॉल को क्लीन कर सकते हैं, अगर धूल वगैरह लगा है तो आसानी से आप उसको क्लीन कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाई रेजिस्टिव टू एल्कली सब्सटेंसेस, एल्कली सब्सटेंस ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, एक गुड प्रॉपर्टी है इसका। नेक्स्ट, रेजिस्टेंट टू चिपिंग एंड फ्लैकिंग, जो फ्लैकिंग वगैरह होता है, जो पेंट की जो प्रॉब्लम्स होता है तो उनको ये रेजिस्ट करता है। व्हेन यू कंपेयर इमल्सन पेंट विथ ऑयल बेस्ड पेंट यू विल फाइंड दैट दे आर लेस टॉक्सिक। ओके, अगर हम लोग ऑयल पेंट के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है, आप देख पाएंगे एक फाउल स्मेल आता है, बट जो इमल्सन पेंट्स है ये लेस टॉक्सिक होता है, इतना ज़्यादा फाउल स्मेल भी यहाँ से नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, ऑयल पेंट्स, ये भी बहुत फेमस है। ऑयल पेंट्स आर नथिंग बट नॉर्मल पेंट्स व्हिच यूजुअली कंटेंट्स ए बेस, एक बेस होता है एंड ए व्हीकल होता है। जनरल बेस कंटेंट यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल पेंट्स आर व्हाइट लीड,
तो यहाँ पर बेस कौन सा यूज हो रहा है? व्हाइट लीड होता है, जिंक व्हाइट होता है, लिथोफेन होता है, रेड लीड होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाइट लीड, जिंक व्हाइट, लिथोफेन, रेड लीड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। ओके, बहुत बार इसको पूछा जाता है। जनरल व्हीकल्स यूज इन ऑयल पेंट्स आर लिंस्ड ऑयल। अब व्हीकल क्या क्या यूज होता है? तो ये तो हो गया बेस, व्हीकल कौन सा यूज होता है? लिंस्ड ऑयल, टग ऑयल एटसेट्रा। एलोंग विथ बेस एंड व्हीकल, ड्रायर्स एंड कलर पिगमेंट्स आर ऑल्सो यूज। अब ड्रायर्स भी यूज होता है, कलर पिगमेंट भी यूज होता है। ओके, द ड्रायर्स यूज मे बी लिथर्ज, रेड लीड, जिंक सल्फेट एंड मैंगनी सल्फेट एटसेट्रा। तो ये सारा चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस क्या क्या यूज होता है, यहाँ पर व्हीकल क्या यूज होता है, ड्रायर क्या यूज होता है, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑयल पेंट्स आर वेरी इकोनॉमिक एंड दे कैन बी अप्लाइड इन इजी मैनर। तो ये इकोनॉमिक होता है, इजी मैनर पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दे आर जनरली अप्लाइड इन थ्री कोट्स, तीन कोट में हम लोग इसको यूज करते हैं, ऑफ वेरिंग कॉम्पोजिशन। ओके, दिस टाइप ऑफ पेंट्स कैन बी यूज फॉर वॉल्स, डोर्स, विंडोज। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही ज्यादा यूज होता है वॉल पे, डोर पे, विंडोज पे, मेटल स्ट्रक्चर पे यूज होता है। बट द मेन डिसएडवांटेज विथ ऑयल पेंट इज दैट दे डू नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमिड वेदर कंडीशन। जहां पर आपका ह्यूमिड वेदर कंडीशन रहेगा, ऑयल पेंट्स नाम से आपको पता चल रहा है, तो वहां पर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लास्टिक पेंट, और यह है दोस्तों आज का लास्ट पेंट। ओके, सो प्लास्टिक पेंट क्या है दोस्तों? प्लास्टिक पेंट इज ए फॉर्म ऑफ इमल्सन पेंट। तो ये एक इमल्सन पेंट ही है विथ ए हायर परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक देन कॉन्वेंशनल इमल्सन पेंट। सो कॉन्वेंशनल इमल्सन पेंट जो होता है उससे ज्यादा हायर प्लास्टिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इन द पेंट गिव्स ए स्मूदर एंड सिल्कियर फिनिश। ओके, एक स्मूथ एंड सिल्की फिनिश देता है क्योंकि इसमें ज्यादा प्लास्टिक कॉन्टेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट, प्लास्टिक पेंट कॉन्टेंट प्लास्टिक एज द बेस। सो यहाँ पर प्लास्टिक बेस है, प्लास्टिक पेंट्स ड्राई वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी ये ड्राई होता है, प्रोवाइड्स बेटर अपेयरेंस, एक अच्छा अपेयरेंस प्रोवाइड करता है, हैव ए हाई कवरिंग पावर, बहुत ही इसका हाई कवरिंग पावर है। दे आर यूज फॉर कोटिंग वॉल्स, स्लैब डेक्स। ओके, वॉल स्लैब डेक्स को कोटिंग करने के लिए ये यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, कैन बी इजिली अप्लाइड यूजिंग ब्रश और स्प्रेइंग। तो हम लोग इजिली इसको ब्रश एंड स्प्रेइंग माध्यम से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वॉल्स पे, स्लैब्स पे, डेक्स पे। सो फ्रेंड्स, ये था टाइप्स ऑफ पेंट जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।